नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल लेटेस्ट टॉक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पटवारी एग्जाम से रिलेटेड 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, जो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो पीवी की साइट है उस पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप तो अपडेट यही है दोस्तों कि रिज़ल्ट आ चुका है पटवारी का, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आप जाएंगे, रिज़ल्ट सेक्शन में जाना है आपको। रिज़ल्ट सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहला जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं पटवारी रिक्रूटमेंट टेस्ट। सॉरी दोस्तों, दोबारा एक बार, तो दोस्तों आप यहाँ पर दिख रहा है पटवारी रिक्रूटमेंट टेस्ट से रिलेटेड ये सारी इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आपको 6:20 पर डिक्लेयर हुआ है, ये रिज़ल्ट आपको सबसे पहले दिख रहा है 26 मार्च को। अब दोस्तों, इसकी फाइनल आंसर की जो है वो आप यहाँ पर जाके अपनी शिफ्ट का जो भी सब मॉडल आंसर, फाइनल आंसर जो भी है, सभी चेक कर सकते हैं दोस्तों। हर शिफ्ट का यहाँ पर उपलब्ध है। री एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों, उसका भी उपलब्ध है यहाँ पर सभी चीज़। तो यहाँ पर सभी शिफ्ट का आप जाकर एग्ज़ाम अपना देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आए थे, मॉडल आंसर सभी। उसके बाद दोस्तों, रिज़ल्ट नोट सेक्शन में अगर जाएंगे तो रिज़ल्ट नोट सेक्शन में आपको 3 चीज़ें देखेंगे, रिजल्ट नोट, कट ऑफ और टॉप 10। टॉप 10 में दोस्तों कौन लोग आए वो सबकी लिस्ट इसमें आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, टॉप 10 में अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर जो टॉप 10 बच्चे हैं सभी की लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हाइएस्ट टोटल मार्क्स गए हैं 94.96, जो कि भोपाल के गौरव पाठक के गए हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो अगली खबर है रिज़ल्ट नोट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर रिज़ल्ट नोट आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, रिजल्ट नोट अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन जो तारीख थी सभी डेट्स का यहाँ पर दिखाएगा, परीक्षा परिणाम तिथि। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अभ्यर्थी की शेयरवार जानकारी दी गई है, सभी ज़िले हैं जो दोस्तों इसमें कितने लोगों ने आवेदक भरा था, कितने लोग सम्मिलित हुए थे परीक्षा में। तो टोटल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, जो इसका रेशो है यहाँ बता दूँ, 10,20,082 लोगों ने इसका फॉर्म भरा था और 8,70,597 कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए थे दोस्तों। उसका जो अभ्यर्थी की श्रेणीवार जानकारी की अगर बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों आप अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो 3,24,467 इसमें फॉर्म भराए थे। अनुसूचित जनजाति के 1,72,743, अनुसूचित जनजाति के 98,573 और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 4,24,296, इस तरह 10,20,082 फॉर्म भराए थे। उसके बाद दोस्तों, इसमें 8,70,597 कैंडिडेट ने इसमें भाग लिया था परीक्षा में। जो दोस्तों अगला अपडेट रहेगा वो रहेगा यहाँ कट ऑफ के बारे में। आप कट ऑफ लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको जिले वाइज जो भी आपका कट ऑफ गया है सभी कैटेगरीज में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कट ऑफ की अगर बात कर लेंगे तो दोस्तों अगर आप कट ऑफ के जो क्लिक करेंगे कट ऑफ पे, तो यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स का कट ऑफ आ जाएगा कैटेगरी वाइज दोस्तों, किसका कितना कट ऑफ गया है, मेल फीमेल सभी का। तो यहाँ पे कट ऑफ जाकर चेक कर सकते हैं सभी ज़िले का दोस्तों। इसके अलावा एक और जो अपडेट है दोस्तों वो ये है, तो दोस्तों ये फाइनल जो अपडेट है की कमेटी रिकमेंडेशन, तो दोस्तों इसमें अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस पता चल जाएंगे जो वहाँ पर गलत थे और जो आपने ऑब्जेक्शन फॉर्म था उसमें फिल किए थे, और वो क्वेश्चन कौन किस में नो चेंज आए, किस में चेंज आए, क्या क्वेश्चन कैंसिल हुए, तो सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पुराने मेरे पिछली वीडियो में बता दिया था, ये सभी क्वेश्चंस गलत थे। अगर दोस्तों आप लोगों के भी कुछ डाउट अगर होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह का सजेशन, इंक्वायरी, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये 5 चीज़ जो मैंने बताई हैं, ये सभी चीज़ आपको पटवारी के रिज़ल्ट आने के बाद मिली हैं। इन 5 चीज़ों के अलावा कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है दोस्तों, हो सकता है आगे आए अपडेट तो मैं आपको बिल्कुल अपडेट देता रहूँगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।